हाई एवरी वन, दिस इज लूसी। वेलकम बैक टू माई चैनल लूसीज लाइफ स्टाइल। जो कि मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को बताई थी, फ्रॉम लूसीज लाइफ स्टाइल उड़ीसा ब्लॉगर से मैंने जो कि मेरे चैनल का नाम चेंज करके लूसीज लाइफ स्टाइल छोटा सा प्यारा सा नाम रखा है। सो बेसिकली जो कि मैं आज ये वीडियो में आप लोगों को एक रोड ट्रिप की जर्नी दिखाने वाली हूँ, जो कि फ्रॉम हैदराबाद टू गोवा। कुछ दिन पहले हम लोग जो कि गोवा गए थे, और वो बहुत ही छोटा सा ट्रिप था, टू डेज़ का ट्रिप था। हम लोग सैटरडे गए और मंडे वापस आ गए थे। हमारी गाड़ी में गए थे, हम लोगों को कितना टाइम लगा और रास्ता कैसा था, क्या था, अच्छा था या कैसा था, सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो जल्दी से जल्दी हम शुरू करते हैं जो कि रोड ट्रिप फ्रॉम हैदराबाद टू गोवा। रुकिए, उससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, जो लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। क्योंकि बहुत दूर जा रहे हैं ना हम लोग, बीच में कुछ हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा, देर हो वो चलेगा, लेकिन गाड़ी ठीक है कैसे, क्योंकि स्टार्ट नहीं हो रहा था, बीच बीच में बंद हो रहा था। सो तो चेक करवाया तो बैटरी का कुछ प्रॉब्लम था, तो वो डलवाया। तो यहाँ पे
टाइम हो गया और रास्ते में जो कि हम लोग देख रहे थे कि कुछ कैफे टाइप का कुछ मिले हैदराबाद टू गोवा के रास्ते में आपको ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला, तो छोटा सा ही जगह में हम लोग चाय पिए, तो डायरेक्ट हम लोग एक अच्छे जगह में, भूख बहुत ज़ोर से लगी है तो डायरेक्ट एक अच्छे जगह में जो कि लंच करने वाले हैं। बहुत ही अच्छा है, मतलब प्योर वेज है, मुझे तो पसंद नहीं है बट क्या करें, खाना पड़ेगा, अभी रेस्टोरेंट वही मिला रास्ते में और कुछ नहीं है, लेकिन वेज जो है ना बहुत ही प्यारा सा थाली उन्होंने बना के दिया है, दिखाती हूँ आपको। चाय नाश्ता करने के लिए चाय के साथ, क्योंकि नॉनवेज सुबह से नहीं खाई थी, मैं नॉनवेज जब नहीं खाती ना दिमाग ख़राब हो जाता है, सो सैटरडे है, नॉनवेज बिना नॉनवेज के मैं नहीं रह सकती, सो चाय के साथ थोड़ा सा हम लोग ने जो कि चिली चिकन ये जो कि ये दिखाती हूँ आप लोग, परिवार ढाबा है, सच में गोवा का रास्ता ऐसा है या दूसरा कोई रास्ता था, गूगल मैप हमको इस जगह के रास्ते से लेके आया, गूगल मैप फंसा दिया, पता नहीं यार, गाड़ी तो जा रही है यहाँ पे लेकिन मेरे को लगता है कि दूसरा कोई रूट होगा। फाइनली जो कि हम लोग होटल में पहुंच चुके हैं, रात को 12 बजने वाला है, यानी कि मॉर्निंग 6 o'clock से लेके 12 o'clock तक की जर्नी जो कि है अच्छा था, बट रास्ता ख़राब होने के वजह से तो थोड़ा मूड ख़राब हो गया है, बट टाइम भी ज़्यादा लग गया, बट कोई नहीं, हम लोग पहुंच गए हैं और जो कि है अभी डिनर करने का थोड़ा सा भी मूड नहीं है, नेक्स्ट डे जो कि डायरेक्ट मैं ब्रेकफास्ट करूँगी, तो आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट डे गोवा के जो कि है फर्स्ट डे का, और क्या क्या होता है सब लोग आप लोग को पता चल ही जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय।